हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पार्सल आज हमारे पास बड़ी दूर से आया है और ये भाई ने भेजा है डिलीवरी बॉक्स में। तो अभी हम इसे फटाफट ओपन करके देखते हैं और ये दिख रहा है हमें MI 10i का बॉक्स भी दिख रहा है और मॉडल भी MI 10i दिख रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं, फ़ोन तो ऑन दिखा है हमें, तो ये फ़ोन क्या प्रॉब्लम के लिए आया है तो पूरा हमें इसे चेक करना पड़ेगा, बाद में हम कॉल करके पूछ लेंगे। पहले हम चेक तो कर ले हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर। तो देख लीजिए, जब ये हमने कैमरा ऑन किया, फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है लेकिन बैक कैमरे में सिर्फ एक ही कैमरा वर्क कर रहा है और क्लियरिटी भी नहीं है। और जब वाईफाई ऑन करके देखा तो ये फ़ोन इस तरीके से हैंग हो जा रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। यानी बहुत देर लगी मुझे चेक करने को, एरर देखने के लिए, लेकिन ये वाईफाई ऑन नहीं हो पाया फिर भी। तो मतलब ये फ़ोन में हम मुझे तो दो प्रॉब्लम दिखे और एक बार और पूछ लेते हैं अभी कॉल करके भाई से कि इसमें क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम ओपन करके जो है पहले मदरबोर्ड की कंडीशन चेक कर लेंगे कि मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। तो ये बोल रहे थे मैंने बाहर में दिखाया था लेकिन वो बोले यहाँ रिपेयर नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला था। और ये मदरबोर्ड जो है हमें फ्रेश दिख रहा है। तो अभी हम ये जो शील्ड है ये निकाल लेंगे ऊपर की, ये हीट सिंक शीट है, ये बाद में लग जाती है तो हम इस तरीके से इसलिए निकाल लेते हैं कि बाद में लगाने के लिए आसानी जाए और ये ख़राब भी नहीं होती है। तो देखा है आपने। अभी आ जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे। जब हमने कस्टमर से बात करी तो वो कहने लगे कि सबसे पहले इसके जो है चलते चलते कैमरे ब्लर होना चालू हुआ स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है इसका वाईफाई जो है वो चलना ही बिल्कुल बंद हो गया, फिर उसके बाद नेटवर्क आना भी बंद हो गया एक सिम में। इस तरीके से कुछ ही फ़ोन में सिम्टम्स थे और प्लस बैटरी बैकअप भी नहीं दे रहा था और फ़ोन हीट आ रहा था, गर्म आ रहा था, कस्टमर का ये कहना है। तो अभी हमने तो ये सब चीज़ें सुन ली है और इसका सबका कैलकुलेशन लिख लिया कि प्रोसेसर हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। तो ये प्रोसेसर हम उतार लेंगे, इसके बाद जितनी भी जगह अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे। और जगह क्लीन करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है हमें कि कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो, ना ही कुछ आईसियां डैमेज हो, यानी डैमेज हो ही ना कुछ, क्योंकि एकदम आराम से काम करना है। ट्रैक भी टूट जाती है अगर आपकी आयरन की हीट भी कम रही तो। ये सब चीज़ों को ध्यान से पूर्वक से काम करना है। ये हो चुका है मदरबोर्ड क्लीन। अब बारी आ जाएंगी प्रोसेसर क्लीनिंग की। तो प्रोसेसर को अभी हमें एकदम आराम से क्लीन करना है कि कोई इतना सा भी स्क्रैचेस ना लगे। जो हमारे हाथ में टूल है वो है लोहे का और आईसी है फाइबर की और इसमें कॉपर भी है प्लस। तो अगर हम ज़रा से भी ताकत लगाएंगे तो ये कहीं पे भी शॉर्ट हो सकता है, यानी ये एकदम आराम वाला काम है, एकदम घाई वाला काम नहीं है। कॉपर और फाइबर दोनों घिसेंगे लोहे से, तो इसलिए हमें आराम से क्लीन करना है। तो देख लीजिए ये हो चुका है, हमारी जो आईसी है वो क्लीन हो चुकी है। तो अभी हम बारी के आ जाएंगे इसको रिबॉलिंग करने की। तो अभी हम फटाफट जो है अच्छी तरीके से स्टेंसिल वगैरह ढूंढ लेते हैं हमारी, फिर इसको रिबॉल्व करेंगे। और आईसी के बॉयल जो है इक्वल एक जैसे बनने चाहिए कि कम ज़्यादा ना रहे, एकदम आराम से बना लेना है। बॉयल एकदम इजीली बन जाते, कुछ बॉयल जैसे छोटे बड़े रह गए तो घबराने की बात नहीं, हम इसको कटिंग करके फिर से बना सकते हैं। लेकिन ये हमारी आईसी एक ही बार में परफेक्ट बनी है तो टेंशन वाली बात नहीं है। बॉयल इक्वल एक जैसे बने, ये दो जगह बॉयल शॉर्ट हो सकते हैं, देखो वो मैं पहले ही बताया, हो सकते हैं। तो अभी हम इसको जो है कटिंग कर लेंगे यहाँ से पॉइंट को। कटिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप हीट मारेंगे तो दोनों बॉल अलग अलग हो जाएंगे। और इसके बाद पेस्ट लगा के हमें हीट मार देना है, आराम से धीरे धीरे हीट मारना है, घाई नहीं करनी है। हीट मारते टाइम जहां सीपीए को नाइस था पहले वहीं रखना है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो जैसे जैसे हम हीट मार रहे हैं देखो फ्लक्स बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है जो हमारा प्रोसेसर है वो कम्प्लीटली बैठ चुका है लोकेशन पे। तो अभी हम फाइनली गाइस जो फ़ोन है पूरी तरीके से अच्छे से टेस्ट कर लेंगे कि फ़ोन में कोई इशू तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। तो कैमरे भी इसलिए हम फर्स्ट टाइम ही लगा के देख ले रहे हैं, फिटिंग हम के जो है बाद में करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे हमारा पूरी तरीके से फ़ोन जो है वो ओके हुआ कि नहीं हुआ। अभी रिज़ल्ट बस आपके सामने आने ही वाला है। और ये जो कैमरे के जो ऑप्शन नहीं आ रहे थे वो आ चुके हैं, जूमिंग में भी ऑटो
पर फोकस हो रहा है कैमरा। अब इसके बाद आ जाएंगी वाईफाई चेक करने की बारी। तो देख लीजिए वाईफाई सिग्नल एक ही बार में आ गया, जब भी बहुत समय लगाया था और वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है। यूट्यूब नहीं चलेगा क्योंकि एप्लीकेशन अपडेट पर लगी हुई है। तो देखा है आपने, ये फ़ोन पूरी तरीके से ओके हो चुका है। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।